साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस से गोंदिया विधानसभा से कोई भी चुनाव लड़ता है तो कांग्रेस की सीट फाइनल नजर आ रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो महाराष्ट्र के लिए बहुत ही पूज्यनीय है। जय महाराष्ट्र बोलते वैसे शिवाजी महाराज की प्रतिमा नजरों के सामने आ जाती है। इसके बाद सरकार की आंखें खुलती है और सरकार माफी मांग लेते। दोस्तों नमस्कार, ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं दीपक कुथेकर। जब भी हम हाजिर होते हैं तो हम दो राज्यों की खबर रखते हैं, एक महाराष्ट्र और एक मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश से खास करके हम बालाघाट जिला और इधर गोंदिया जिला और पूरे महाराष्ट्र की और पूरे मध्य प्रदेश की बात करते हैं। इसी के साथों साथ हम केंद्र सरकार की भी बात करेंगे। और अभी आपने कल ही सुना होगा कि बहुत ही माहौल गर्म हो गया, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्टेच्यू है उसकी प्रतिमा एक हल्की सी हवा आती है और गिर जाती है। आज मेरा बस में वीडियो बनाने का मकसद ये है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि पूरी सीटें खाली है और मेरे अलावा यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं है। ठीक उसी तरह महाराष्ट्र की 288 विधायक की सीटें खाली हो रही है और फिर से चुनाव होना है जिसके तारीख का इंतजार सभी कर रहे हैं और हर एक उम्मीदवार अपनी अपनी ताकत लगाने भिड़ गया है और वो अपने अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं कि हमको भी विधानसभा का टिकट मिल जाए और हम भी विधायक बन जाए। क्यों ना, ये सभी को अधिकार है, हर कोई चुनाव लड़ सकता है, हर कोई अपना नाम आगे कर सकता है और हर कोई अपना स्वतंत्र मतदान दे सकता है। तो हम बात करेंगे बारी बारी से और आपको एकदम सरल और सादी भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हम जो खबरें बताते हैं हमारा न्यूज चैनल में सभी खबरें एक वास्तविकता से लेकर के होती है। क्योंकि अभी हम यहाँ से नीचे उतरेंगे और बाकी की खबरें आप आसानी से हमारे साथ में सुनेंगे। दोस्तों कुछ दिन से मध्य प्रदेश में हमारे न्यूज रिपोर्टरों का दौरा चालू है और खास करके वो एक शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जैसे स्कूलों का दौरा किए तो पता चला कि बहुत से स्कूलों की हालत खराब है, जहां 18 वर्ष मामा शिवराज चौहान जी मुख्यमंत्री थे भाजपा से, अभी मोहन यादव जी मुख्यमंत्री है और अभी रक्षाबंधन के एक दिन पहले कुछ दिन पहले बालाघाट आए थे, जो अपनी लाडली बहनाओं को गिफ्ट दिया उन्होंने 250 रुपए एक्स्ट्रा, जो 1250 लाडली बहनाओं को दिया जा रहा है। उन्हें लाडली बहनाओं के जो बच्चे पढ़ते हैं तो देखने पे ऐसे एक दयनीय स्थिति हो जाती है। लांजी क्षेत्र में जो हमने कुछ स्कूलों का वीडियो चलाया है, कुछ सड़कें दिखाया हमने, वहां के लोगों ने भी बोला कि 25 से 30 साल की उम्र हो रही है, हमने कभी सीमेंट रोड और डांबर रोड नहीं देखा है। तो ये हमारा बार बार बताने का मकसद ये होता है कि जो जनप्रतिनिधि हम चुनकर देते हैं केवल वोटिंग मांगने के लिए, जब वो दौरे निकलते हैं उनके, तो उतने ही बार केवल वो ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचते हैं, नहीं तो फिर ग्रामीण क्षेत्रों में जाना उनका बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब भी कार्यक्रम होगा तो बड़े बड़े शहरों में होगा, बालाघाट में होगा, लांजी में होगा, सिवनी में होगा, जबलपुर में होगा, लेकिन ऐसे कुछ गाँव है कि जहाँ उनको खबरें नहीं मिलती। तो खबर पहुँचाने का माध्यम हमारा एक ग्रामीण क्षमता न्यूज है और हम अधिकतर ग्रामीणों को दिखाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि आपको सभी को पता है कि जनरली शहर विभाग में तो बहुत से न्यूज चैनल होते हैं और शहर को ही कवर करते हैं। तो अभी जो मेन मुद्दे की बात है कि जो महाराष्ट्र में एक बहुत ही बड़ा एक हंगामा का रूप ले लिया है, जो शिवाजी महाराज की सिंधुदुर्ग में राजकोट में जो मूर्ति स्थापित की गई थी, जिसका अनावरण करने के लिए मोदी जी जाते रहो, उसमें भी बताया जा रहा है कि अब विपक्ष तो सवाल उठाएगा ही ऐसे बातों पर। आप लगातार देखते आ रहे कि जैसे जो भी घटनाएं होती है, जैसा अयोध्या में जल्दी राम मंदिर का पूजन हो जाता है और पहली बारिश में वहां की पूरी पोल खुल जाती है, जबलपुर का हवाई अड्डे की छत गिर जाती है, रोड पूरी घुस जाती है। तो इतने अच्छी टेक्नोलॉजी से बनने के बाद जो हमारा देश विकसित हुआ है, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी रहने के बाद अगर ऐसी घटनाएं होती है तो विपक्ष वाला सवाल उठाएगा ही। तो यहाँ की होता है कि जो उद्धव ठाकरे ग्रुप से आदित्य ठाकरे अपने समर्थकों के अपने टीम के साथ में पहुंचते हैं, इधर से नारायण राणे जी अपने लड़के के साथ में वहां पहुंचते हैं, तो कुछ बीजेपी वाले उद्धव ठाकरे के खिलाफ नारेबाजी कर देते हैं, तो दोनों गुट जम के भिड़ जाता है, उद्धव ठाकरे गुट और इधर भाजपा गुट। तो ये इससे कोई रास्ता नहीं निकलेगा, क्योंकि आदित्य ठाकरे का बयान आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा है कि कई वर्षों से वहां पर शिवाजी महाराज की मुंबई में पुतला है, आज तक नहीं गिरा है, और ये गिर जाता है तो इसमें टेक्निकल फॉल्ट को ढूंढना चाहिए कि किस प्रकार के ठेकेदार को काम दिया गया था। लेकिन अब ये बात होती कि मोदी जी आते और सीधा माफी मांग लेते हैं, यानी नुकसान होने के बाद माफी मांगना है तो एकदम आम बात हो गई। जैसे आपने किसानों का आंदोलन देखा था कि कई किसान सड़कों पर रहे, किसान परेशान, जनता परेशान,
और जब 750 लोग मर जाते हैं उसके बाद सरकार की आंखें खुलती है और सरकार माफी मांग लेते हैं। तो माफी मांगने से सब कुछ ठीक ठाक हो जाए तो बाकी टेक्नोलॉजी की जरूरत ही क्या है, कुछ भी गलत हुआ माफी मांग लो। अभी आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश से भी जो 1200 करोड़ का जो भवन बनाया गया संसद भवन वो लीक हो रहा है और वहां 150 से 200 रुपए की बाल्टी रखा जाता है। तो सोशल मीडिया वाले डिजिटल मीडिया वाले तो उछाल नकता है बिल्कुल, तो ये तो होना ही है। छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो महाराष्ट्र के लिए बहुत ही पूज्यनीय है। जय महाराष्ट्र बोलते वैसे शिवाजी महाराज की प्रतिमा नजरों के सामने आ जाती है। अब यहाँ के चुनाव है, जब भी चुनाव होता है तो कुछ ना कुछ जल्दबाजी में जल्दी पूरा किया जाता है ताकि उसका चुनाव में कुछ लाभ मिल सके, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं होता, उल्टा ही होते लगता है कि भाजपा का आपने रिजल्ट देखा है उत्तर प्रदेश में, जो अयोध्या राम मंदिर बनता है वहीं पर भाजपा के सांसद के प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ता है। तो जनता के मूड पर होता है कि जनता क्या कर दे, ना नेता समझ सकते ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनी है कि लोगों का मूड को भाप सके। अब हम गोंदिया पर आ जाते हैं, जो महाराष्ट्र का गोंदिया जिला है ये अंतिम जिला होता है, इसके बाद छत्तीसगढ़ आ जाता है और इसके दूसरे साइड में जाएंगे तो मध्य प्रदेश होता है। तो यहाँ की जो राजनीति है बहुत ही अजीब राजनीति, हमने पिछले वीडियो में भी क्लियर किया था लेकिन इस बार थोड़ा सा और कुछ हटके हो गया है। पिछले चुनाव में क्या हुआ था कि जो विधायक कांग्रेस से रहे गोपाल अग्रवाल जी एक बहुत चाहते थे, बहुत ही उनको क्षेत्र वाले भी चाहते थे, लेकिन एकाएक उनका मन बदल जाता है और भाजपा में चले जाते हैं। और फिर पिछले बार भाजपा से चुनाव लड़े थे और वहीं के जो पुराने कार्यकर्ता थे विनोद अग्रवाल जी, उनको टिकट ना मिलने के कारण वो निर्दलीय चुनाव लड़ लेते हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ने से होता क्या है कि जो बीजेपी वाले लोग हैं उनके मन में एक सिंपैथी जाग जाती है कि चलो हमारे एक पुराने कार्यकर्ता है तो उनको टिकट ना देने के कारण इनको चुनाव लड़ रहा है तो इनको जिताया जाए। तो बात तो ये हो गई कि जो मोदी के नाम पे वोट जाती थी, जो भाजपा के नाम से वोटिंग करते थे, कमल का फूल देखकर बटन दबाते थे, तो पूरे भाजपा ही चेंज हो जाते हैं। यानी भाजपा वाले मोदी जी को भूल जाते और अपनी एक जो पुरानी पार्टी है, जिस पार्टी में रहते, जिस पार्टी का गमछा लेके घूमते, उस भाजपा को भूल जाते हैं। तो एक बड़ा नया सब्जेक्ट बनते जाता है गोंदिया का अगर सोचा जाए तो। अगर इस बार मान लेते वो सिंपैथी, चलो 5 साल हो गए लोग भूल गए, इस बार यदि निर्दलीय विनोद अग्रवाल जी चुनाव लड़ते हैं तो हमने आज सर्वे डाला था, इसके पहले भी सर्वे डाला है, तो यहाँ से कांग्रेस आगे निकलते दिख रही है। चाहे हमने किसी का भी नाम लिखा हो, सबसे पहले हमने गप्पू गुप्ता का नाम लिखे, आपको स्क्रीन पे यहाँ पर वो सर्वे दिखा देंगे हम, तो उसमें जमकर वोटिंग गप्पू गुप्ता जी को की गई थी कांग्रेस के हैं। उसके बाद हमने लिखा था कि मान लेते हैं कि यदि गोपाल अग्रवाल कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं और जो रमेश कुथई जी अभी कुछ दिन पूर्व ही शिवसेना में आए, वे शिवसेना से लड़ते और विनोद अग्रवाल चाबी या निर्दलीय लड़ते, तो उसमें गोपाल अग्रवाल जी को जमकर वोटिंग मारी गई। यानी उसमें गोपाल अग्रवाल नहीं कांग्रेस देख करके लोगों ने वोटिंग किया, ये हमने समझे, क्योंकि गप्पू गुप्ता कांग्रेस लिखे थे, जमकर वोटिंग हुई, अपना गोपाल अग्रवाल कांग्रेस लिखे, हमने जमकर वोटिंग। आज का जो ताजा सर्वे है हमारा, हमने वहां नए चेहरे पेश किया, हमने देखा कि नया चेहरा किसको पसंद है और अपने पसंद के उम्मीदवारों को वोट कीजिए। तो जिसमें हमने कांग्रेस से लिखा है राजीव ठाकरे ले, शिवसेना से लिखा है हमने उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट शिवसेना से, सोनू कुथे का नाम हमने वहां पर डाला है शिवसेना, और विनोद अग्रवाल को डाला है हमने निर्दलीय, और गोपाल दास अग्रवाल जी को हमने भाजपा से रखा। तो यहाँ दोस्तों गोपाल अग्रवाल, विनोद अग्रवाल, सोनू कुथे एकदम जीरो पर चल रहे हैं हमारे सर्वे में, और जमकर बम्पर वोटिंग हमारे सर्वे पर हो रही राजीव ठाकरेले को। अब तीन नाम आ चुके, एक राजीव ठाकरेले का सर्वे किया हमने कांग्रेस नाम डाल करके, गोपाल दास अग्रवाल जी का नाम डाले कांग्रेस लिख के, गप्पू गुप्ता जी का नाम डाले हमने कांग्रेस लिख के। इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस से गोंदिया विधानसभा से कोई भी चुनाव लड़ता है तो कांग्रेस की सीट फाइनल नजर आ रही है। अब इसका कारण, वास्तविक कारण तो हम जो पब्लिक सर्वे में जाएंगे, पब्लिक डिबेट में जो साप्ताहिक बाजार होता है, तो साप्ताहिक बाजार में हम जाकर के डायरेक्ट पब्लिक से सवाल करते मार्केट में, तो वहां वो अपने दिल की सच्चाई बता देते कि जीतेगा कौन। हम डायरेक्ट सवाल करते हैं कि इस बार विधायक कौन, क्या फिर से वही, क्या और कोई नया, तो एकदम वहां जो परसेंटेज मिलता है, और हमारा सर्वे लगभग लगभग सटीक बैठता है, क्योंकि हम बिना बताए ना किसी उम्मीदवार को बताते, कोई प्रत्याशी को बता करके हमारा प्री प्लांट सर्वे नहीं होता है, उनको सबके बाद में पता चलता है कि मेरा भी सर्वे हो रहा है।
यदि हम उनको बता देते तो अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा भेज करके वोटिंग बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ दोस्तों ये बात है कि एक मोबाइल से केवल एक ही बटन दबेगी, ऐसा नहीं कि एक मोबाइल से हम 150 बटन दबा सकते हैं, वोटिंग कर सकते, ये नहीं होता है। और इसी प्रकार एक पास में तिरोड़ा है, तिरोड़ा गोरेगांव क्षेत्र गोंदिया जिले का, तो वहां की हम बात कर लेंगे कि जब हमने वहां का कुछ सर्वे देखा तो वहां जनता परेशान नजर आई। भाजपा का 10 साल से कब्जा है तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा में, जिसके विजय रहंगडाले जी विधायक है। तो हमने जो पहला वीडियो देखा था, बोरगांव बाजार गए थे तो वहां से कोराड़ी मार्ग जाता है, तो वो रास्ते की इतनी हालत खराब है कि लोगों ने बताया कि किसी का हाथ टूट गया, कोई गिर गया, तो बच्चे स्कूल नहीं आ सक रहे और बस बंद है और बरसात का टाइम है, तो वहां से कार का भी निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी बहुत सी खबरें हमको मिली कि धापेवाड़ा से आगे हम निकल जाते हैं तो वो अत्री बोदा वगैरह जो गांव होते हैं उसके आसपास की सड़कें किसी का भी निर्माण नहीं हुआ है, तो उसके कारण भाजपा की सीट हमको खतरे में नजर आ रही। क्योंकि तिरोड़ा और गोरेगांव, जो तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र होता है, तो उसका जो हमने सर्वे डाला था तो वहां पर हमने लिखा है कि गुड्डू बोपचे जी शरद पवार गुट से, राष्ट्रवादी कांग्रेस, जिनका निशान तुतारी है। और हमने दूसरा नाम डाला था एक आम आदमी पार्टी से जो प्रत्याशी के रूप में अभी सामने आए हैं, रमेश ठाकुर। रमेश ठाकुर सेकंड नंबर पर रहते और 10 साल के विधायक तीसरे नंबर पर रहते हैं। जो रमेश ठाकुर जी कभी विधायक का चुनाव नहीं लड़े, ये पहली बार उन्होंने विधायक विधानसभा चुनाव के लिए अपना नाम आगे किया है। क्योंकि आम आदमी पार्टी हमेशा दावा करती कि यदि हमने काम नहीं किया तो वोट नहीं देना, है अरविंद केजरीवाल का कहना है। तो आम आदमी पार्टी से जो रमेश ठाकुर जी है, तो अभी जो दिनों दिन मीटिंगें लेते जा रहे, सभा लेते जा रहे छोटी मोटी, तो उनको ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उनको लोग जुड़ रहे, क्योंकि पहले सर्वे में सेकंड नंबर पर आना एक नया प्रत्याशी तो एक सोचने की बात हो जाती है। अब यहाँ का जो मामला फंसता है गोंदिया का, अब शिवसेना में रमेश कुथे जी चले गए, क्योंकि वहां से उनके जो सुपुत्र है सोनू कुथे, उन्होंने बहुत ट्राई किया था कि कांग्रेस की टिकट मिल जाए, लेकिन अभी तक जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है नाना भाऊ पडोले, उन्होंने अभी तक किसी को हाँ नहीं बोला है। अब उनका मकसद क्या है पता नहीं, क्योंकि उन्होंने गेम खेल के देख लिया और सफल हो गए। जो लोकसभा का चुनाव हुआ, डॉक्टर प्रशांत पडोले को टिकट देने पे बहुत से कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज हुए थे, लेकिन कांग्रेस का बल और दम अभी बढ़ते हुए नजर आ रहा है। वो राहुल गांधी की एनर्जी को देख के समझ में आ रहा है कि कांग्रेस अब टॉप पर आने वाली है, क्योंकि होता है एक पार्टी आगे बढ़ती तो फिर दूसरी पार्टी पीछे हो जाती है। तो इसी प्रकार से गोंदिया जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से ऐसा 100% लग रहा है कि कांग्रेस इस बार यहाँ की सीट पछाड़ेगी। अब जो विनोद अग्रवाल जी के कार्य अच्छे होंगे, विनोद अग्रवाल जी ने 5 साल में अच्छे काम दिया होगा, जनता की सेवा में लगे होंगे, तो जरूर विनोद अग्रवाल जी को जनता चुन के देगी। लेकिन गोपाल अग्रवाल जी के भी पुराने कार्यों को जनता नहीं भूली है, क्योंकि गोपाल अग्रवाल जी अगर कांग्रेस में जाते तो वहां भी वो जीतते हुए नजर आ रहे, या हो सकता है कि नाना पडोले जी गोपाल दास अग्रवाल का इंतजार कर रहे हो कि ये बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में आते और इनको टिकट दिया जाता है तो दोनों अग्रवाल अग्रवाल की फाइट मजेदार हो जाएगी, ये भी समझ में आता है। अब तीसरा उम्मीदवार यहाँ पर जो पुराने जो भूतपूर्व विधायक माननीय रमेश कुथे जी, वो शिवसेना से लड़ेंगे। अब शिवसेना भी यहाँ पर कितनी मजबूत है अभी तक के हमारे सर्वे में कुछ नजर में नहीं आया है, लेकिन जनरली बात यहाँ पर होती है तो केवल कांग्रेस और भाजपा की होती है, क्योंकि जो पुराना दौर चला गया, जो शिवसेना का माहौल एक नंबर पर होता था, जो कि शिवसेना के सामने बीजेपी और कांग्रेस भी यहाँ पर गोंदिया में घुटने टेकते थे, लेकिन कुछ स्थितियां परिवर्तन होती है, कुछ चेंज होता है, कुछ बनते जाता है, कुछ बिगड़ते जाता है, इससे वो स्थिति हमेशा रहती नहीं है। जैसे जम्मू कश्मीर की तारीख की घोषणा हो जाती है, इधर हरियाणा की तारीख की घोषणा हो जाती है। हरियाणा के चुनाव की तारीख बढ़ाने का जो भाजपा वाले अभी आवेदन कर रहे, ये भी हमने सुने हैं, और महाराष्ट्र को क्यों लंबित किया जा रहा है, ये सब सवाल करते, लेकिन इनके कुछ योजनाएं जो लॉन्च हुई है कि यदि आचार संहिता लग जाती है तो जो इनका लाडली बहनाओं का जो पैसा ट्रांसफर का सिस्टम है वो बंद करना होता है, क्योंकि आचार संहिता में जो सरकार है ये ऐसे काम करना सब निषेध हो जाता है, रुक जाता है। तो इसलिए ये भी हो सकता है कि यहाँ की तारीख अभी धीरे धीरे बढ़ा रहे, और हो सकता है नवंबर या दिसंबर में चुनाव हो जाए, तारीख बढ़ेगी तभी ये योजनाएं दी जाएगी। अब लाडली बहना की योजना से मध्य प्रदेश में जो लोकसभा में पूरी की पूरी सीटें आ जाती है, तो यही यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हमारे एकनाथ जी शिंदे, उनको ऐसा लगता होगा, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत पवार जी डिप्टी सीएम, दोनों को ऐसा लगता है कि जो हमने पिछले लोकसभा चुनाव में हमारी सीटें ज्यादा नहीं आई,
तो इस बार आ सकती। तो ये योजना पे योजना निकालने का बिल्कुल लाडली बहन, फिर वो पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए योजना, किसानों के लिए योजना, वृद्धा योजना, तो ऐसे पूरे कंटिन्यू योजना योजना चालू हो जाती है। अब देखना ये होगा कि इतनी योजनाओं का फायदा इनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो वक्त बताएगा, जिस दिन रिजल्ट निकलेगा तब पता चलेगा। लेकिन राजनीति क्या हो रही है और कैसे हो रही है और अपनी अपनी सीट बचाने के लिए एक नेता क्या क्या कर सकता है, ये जनता खुद समझ रही है। अब जितने भी युवा बेरोजगार है, अभी गोंदिया जिले की बात करेंगे तो यहाँ पर ना उनके लिए किसी प्रकार का रोजगार नहीं है, क्योंकि अधिकतर लोग यहाँ से उनको हैदराबाद कमाने जाना पड़ता है और हैदराबाद में उनको अच्छा काम मिल जाता है। तो आज तक यहाँ के किसी विधायक ने नहीं सोचा कि हैदराबाद के लोग यहाँ गोंदिया कमाने आना चाहिए। एक भी छोटी सी कंपनी यहाँ पर नहीं है। आप अदानी पावर प्लांट की बात करेंगे तो वहां ज्यादा से ज्यादा बाहर अन्य राज्यों के आपको लोग दिखेंगे, क्योंकि इधर के लोगों को बहुत ही कम एंट्री और पढ़े लिखे लोग वहां पर जाके झाड़ू मारेंगे, ये भी उनको नहीं जम रहा है। तो ऐसे कुछ कारखाने छोटे छोटे लग जाते तो एक छोटा मोटा रोजगार की स्थापना हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर ना रोजगार पे ध्यान है, ना नौकरी पे युवाओं पे ध्यान है, ना एजुकेशन पे ध्यान है, ऐसा कुछ भी नहीं, ना स्वास्थ्य पे ध्यान है। बस चलते रहो 5 साल कुछ भी जो योजना है, रोड बना दो, सड़क बना दो, नाली बना दो, पुलिया बना दो, फिर वो पुल टूट जाए, जो भी हो जाए, बाद में माफी मांग लो, उससे काम बन जाता है। तो देखते रहिए दोस्तों हमारा न्यूज चैनल, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय महाराष्ट्र।